नहीं यार। इट्स मॉर्निंग 3:10। इतना जल्दी उठ के आज कहाँ पे चलेंगे? तो है हिडन प्लेस, लेट जाएंगे तो बहुत पब्लिक मिलेगी और मुझे ज्यादा पब्लिक में जाना पसंद नहीं है। एनीवेज किसका पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका सबका प्यारा नारा मिथ मुंबई घर। थोड़ा कुछ खा लेंगे क्या यार? कुछ खाते है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा माउंट करूँ कि नहीं करूँ, कमेंट में बताओ। थोड़ा रुके थे अभी यहाँ पे, थोड़ा कुछ खा लिया, अभी निकलेंगे हमारी जर्नी पे। वैसे तो ये है कुछ हिडन प्लेस पे लेके चल रहा है भाई अपने को, पता नहीं कहाँ पे। चल बस लेट्स गो। हम लोग वैसे टोटल आई थिंक 60 किलोमीटर वो रोड से डायरेक्टली यहाँ पे है, मीरा रोड से लेके डायरेक्टली स्ट्रेट रोड लेके हम लोग अपना टूवर्ड्स ये सूरत अहमदाबाद वाले रोड से है। राइट टर्न मार के अभी ये वाले रोड से हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो ये वाला रोड अभी हम लोग को वहाँ पे एक बोर्ड दिखा, वो था त्र्यंबकेश्वर। तो यही रोड से त्र्यंबकेश्वर भी है आगे। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही है, होपफुली अभी आई थिंक हाफ एन आवर के अंदर ही पहुंच जाएंगे। अभी हो गया है कुछ 77 किलोमीटर। ये वाला फाइनली राइट है और अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो वो त्र्यंबकेश्वर डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। ऑलमोस्ट अभी हम लोग पहुँच नहीं है बट यहाँ पे ना हम लोग क्यों रुके, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है ना कि एकदम सुकून भरी लाइफ बोल दे ना इसको बोलते हैं। वहाँ पे अगर देखोगे तो वहाँ से वाटरफॉल जा रहा है, वो साइड में भी एक वाटरफॉल था। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे तो मिथ मुंबई करके जो चड्डी बड्डी यार है बियर्ड बाबा, इसको तो आप जानते ही हो। बियर्ड बाबा ने फाइनली कितना बोलने के बाद में अपना खुद का चैनल भी खोल दिया है, हिप्पी क्या हिप्पीज, यस हिप्पीज। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया, जाके सब्सक्राइब जरूर मारना, भाई को भी सपोर्ट करो यार। मतलब ये बंदा और ये बंदा पहले से, मतलब बचपन से बहुत सारे ट्रेकिंग ये करो वो करो, मतलब यहाँ वहाँ घूमते ही रहते। और अभी भाई का पहला इंट्रो चालू है, भाई का सबसे पहला वाला इंट्रो। तो वैसे तो यहाँ पे आके अभी बाइक हम लोग ने यहीं पे लगाया, थोड़ा बहुत तो ऑफ रोडिंग करना ही पड़ा क्योंकि अभी यहाँ से बाइक तो जा नहीं सकता। फिर वो वाला थोड़ा माउंटेन क्रॉस करके ऊपर से जाना पड़ेगा, वहाँ पे वाटरफॉल मिलेगा। ये वाला हिडन रास्ता ये भाई ने ढूंढ के निकाला है। सबसे बड़ा संकट आया है हम लोग को, क्रॉस करना है ये पूरा भाई, पाए घसर लगी यहाँ से वहाँ तक जाना है। बाकी लोग जाते हैं ना वो दूसरे वाले गांव से वहाँ से जाते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहे हैं वो साइड में। और बहुत बड़ा सीन है कि वहाँ पे है ना चेकिंग भी रहता है, आजकल बहुत लोग आते हैं ना तो पुलिस वाले जाने भी नहीं देते, वो एक रीज़न है वहाँ पे। हम लोग वहाँ से यहाँ तक हम दोनों पहले आए, बाद में अभी बाकी दो लोग वहाँ से आ रहे हैं। इतना पानी तो है ही वहाँ तक। You always said we were the good ones, like an 18 minute thriller movie. I always knew you always meant it. Finally यहाँ पे आने के बाद में हम लोग को वो वाटरफॉल मिला जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। देखना है वो है वहाँ पे। अभी ये कैमरा के फ्रेम में बहुत छोटा दिख रहा है बट वहाँ पे जाके ही पता चला। अभी है ना ये वाला पूरा पैच है जो पूरा नीचे जा रहा है, वो हम लोग को पूरा भी क्रॉस करना पड़ेगा।
standing on the best side too. It's not easy, bro. यहाँ से नीचे उतरना ना ये बहुत खतरेलू काम है. क्यों आए ये रास्ते की हम लोग है ना शायद फर्स्ट रहेंगे जो ये रास्ते से वो वाला वाटरफॉल ट्राई कर रहे हैं. हम लोग को भी रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग वहाँ से घूम के आए यहाँ तक आए. यहाँ तक आने के बाद में पता चला वो डायरेक्टली वहाँ पे डीप व्लॉगर तू. अरे का यार उल्टा कुठे आहे काय आहे काय मस्करी करतो यार तू पण यार तो व्हिडिओ ठेवतो. I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just log niche pahunch gaye. अभी बहुत बड़ा डिफिकल्टी हमको आने वाला है जब हम लोग फिर से ऊपर चढ़ेंगे. मतलब जो रास्ते से हम लोग आए ना वो रास्ता तो था ही नहीं. हम लोगों ने कैसा वैसा करके रास्ता बनाया जुगाड़ करके हम लोग नीचे पहुंच गए. एक्चुअली में हम लोग को जाना था वो साइड में है ना वो वाला मेन जो वाटरफॉल है एकदम ज़बरदस्त वाला वो साइड में. मेरी लाइफ का है ना सबसे डिफिकल्ट वाला सीन था ये. कल रात को है ना बहुत ज़्यादा बारिश गिरा. वो बारिश ज़्यादा गिरने की वजह से ना जो भी मिट्टी वगैरह रहता है वो सब बह के नीचे आता है. वही रीज़न की वजह से पूरा पानी का कलर देखो पूरा चेंज हो गया. हम लोग सोच रहे थे कि वो साइड में जाने का वो साइड से वो वाला वाटरफॉल दिखा देते थे बट मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता. अभी ये दोनों शायद से जाएंगे पानी में से बीच में से. वो देखो भाई दोनों क्यों इतना रिस्क क्यों लेने का. 15 मिनट्स लेटर मुंबई कर एडवेंचर लवर ट्रॅव्हलर ज्यांना खांद्यावर घेऊन जायला लागतंय कसं वाटतंय. फायनली मैं भी ये साइड में आ चुका हूँ क्योंकि ना ये लोग ने वहां पे जाके बहुत सारे फोटो और बहुत सारे वीडियोस मेरे को पता है ना तो मेरी थोड़ी जलने लगी. तो मैंने सोचा कि नहीं अभी मुझे जाना है मतलब जाना है इसी के लिए मैं फाइनली ये साइड में आया जो कि जो मेन वाटरफॉल था वो दिखाने के लिए. आपको भी देखना है ना अभी देखो. आप अगर देवकुंड गए हो ना तो यार देवकुंड जैसे ही लगेगा आपको ये वाला वो भी वाटरफॉल है वहाँ पे. बट ये वाला सीरियसली बोलूँ ना हार्ट बीट है ना वहाँ पे अगर मैं बैठूँ ना हार्ट बीट एकदम फास्ट हो रहा था इतना डेंजरस था भाई ये. वॉटरफॉल के बारे में बताऊँ ना तो आई थिंक इसका हाइट कुछ 25 फीट तक कुछ रहेगा. अभी बियर्ड बाबा को और कुंती को है ना ऊपर से उड़ी मारना था नीचे बट इतना ज़्यादा पानी है ना बहुत गंदा भी और बहुत डेंजरस पानी अभी फिलहाल. तो पानी के साथ मैं मस्करी ना है तो पानी में अभी नहीं जाएंगे बट एक दिन ज़रूर आएंगे फिर से यही प्लेस पर फिर से आएंगे. वो टाइम पर ना ऊपर से उड़ी मारेंगे उधर से ऊपर से डायरेक्ट नीचे. तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि फिर से बारिश आना भी स्टार्ट हो गया और ये वाला जो पैच है ना अगर बाद में भर गया ना ज़्यादा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. यहाँ से वहाँ तो पहुँच जाएंगे बट सबसे मेन चीज़
जो डिफ़िकल्टी यहाँ पे आने के लिए लगा, फिर से वही डिफ़िकल्टी जाने के लिए लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये पूरा पहाड़ चढ़ के हमें वो साइड में जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मित मुंबईकर अपने दोनों हाथ और दोनों पाँव का यूज करते हुए, और यहाँ पे आम आदमी अपने दोनों पैर से चलते हुए। ये है आम जिंदगी और ये है मित मुंबई कर की। वेरी बैड फॉर दिस गाय। आपल्याला बिहाइंड द सीन मिळाला वरतो भाड मध्ये चलो काय झालं भाई आधी हात द्या आता हात बघितलं मित्रांनो असं आमच्यावर पाहिजे होऊ नका असं होतं। हाऊ डू यू फील माय बॉय, हाऊ डू यू फील? पाणी चाललो आपण पूर्ण सगळं पाय मी बघला सगळा सरपट निरपटून झाला। तो वो वाला डिफ़िकल्ट पैच फाइनली कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम लोग अभी आगे आगे चल रहे हैं। अभी यहाँ से आई थिंक कुछ 15 या 20 मिनट का कुछ रास्ता है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना भाई। तुम्हारे मित मुंबई कर भाई ने ना बहुत मेहनत की है ये व्लॉग के पीछे, बहुत रिस्क लेके काम किया है, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर जाना चाहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइज, इट्स मित मुंबई कर, एंड एज ऑलवेज से कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ।